सॉरी भाइयों, सॉरी भाइयों, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम वेरी 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 सॉरी। स्वागत है गेमिंग दीवानों का मेरे समथिंग न्यू चैनल में। तो भाई लोग, सबसे पहले मैं आपसे बहुत 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 ज्यादा सॉरी बोलना चाहता हूँ। क्यों सॉरी? क्योंकि अगर आपको नहीं पता क्यों सॉरी, तो जो आई बटन पे क्लिक करके आप मेरी एक वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने कुछ गलत कह दिया था। तो उसकी वजह से कमेंट में भैया इतने कमेंट आए, क्या बताऊं मैं, और ऐसे ऐसे कमेंट जो कह नहीं जा सकते। तो मैंने किया क्या था, तो मेरी गलती क्या थी, पहले इस पे बात कर लेते हैं, फिर टॉपिक पे बात कर लेंगे। तो मेरी सिर्फ ये गलती थी कि मैंने नेटेंडो स्विच, जो लेट्स गो पिकाचू जो गेम चलाता है, जो मैंने बताया था वो गेम आज कल पोकेमोन में बहुत ज़्यादा हिट हो रहा है, तो वो मैंने 1500 का बता दिया था। तो मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई थी, क्योंकि मैंने देखा था ही नहीं। मुझे लगा मैंने शायद देखा था वो 1500 ही था, लेकिन 15000 होगा ऐसा नहीं, लेकिन उसकी रियल प्राइस है 30000 कुछ, अब पूरा नहीं कहूँगा, 30000 कुछ है उसकी रियल की प्राइस। इतना ज़्यादा महंगा है तो आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। और मेरी क्या गलती थी, और मेरी ये गलती थी कि मैंने ये जो पोकेमोन लेट्स गो पिकाचू गेम को, पोकेमोन लेट्स गो पिकाचू, ओके भाइयों, तो ये जो गेम को मैंने बता दिया था चाइनीज, लेकिन ये है जापानी। बस ये दो गलती थी, और लड़कों ने कमेंट में इतना भर भर के मुझे सुनाया कि पूछो नहीं। लेकिन आप लोग भाई लोग हो, आप लोग नहीं बताओगे तो कौन बताएगा। तो अगर आपको भी सुनाना है उसी वीडियो पे, तो आई बटन में जाके उस वीडियो को देख सकते हो, उसको चेकआउट कर सकते हो जाके। हाँ, तो भैया आज की हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात करें। तो ये मैंने गेम बताया है टॉप 7, लाइक पोकेमोन लेट्स गो यूनिटी और पोकेमोन लेट्स गो पिकाचू। ये जो गेम है आपको लाइक उसी के जैसा गेम मिलेगा, लेकिन मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं दी है। क्यों नहीं दी है? इसलिए नहीं दी है क्योंकि ये गेम कहीं ना कहीं, मतलब मैं लिंक दूंगा और कहीं ना कहीं आपको मतलब खुलेगा भी नहीं, ऐसा नहीं होगा, तो मैं इसकी लिंक अभी नहीं दूंगा। तो आपको इसका जो रीज़न है वो मैं लास्ट में बताऊंगा, तो लास्ट तक बने रहो। और इन सब की जो सातों गेम की है उसकी मैंने रिक्वायरमेंट भी दी है, MB भी बताइए, और किस तरह का क्या गेम होने वाला है ये भी बताऊंगा। तो ये भी गो, जितने भी मैंने गेम बताए हैं उसको आप देखकर ये बोलोगे ओह माय गॉड टुरुला। तो भाइयों, हमारे जो सातवें गेम का नाम है उसका नाम है पोकेमोन पॉकेट म्यू। ये आपको बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स में मिल जाता है, और इसकी कुछ साइज है 600-700 MB के बीच में होगी, क्योंकि बहुत अच्छा है। ऊपर आप गेम प्ले देख सकते हैं किस तरह का गेम प्ले है, बहुत ही अच्छा गेम प्ले है, आपको लाइक उसके जैसा ही मिल जाता है। और बात करूं तो ये चाइनीज में आता है, अब इसका इंग्लिश वर्जन बना नहीं है, शायद बन भी सकता है इंग्लिश वर्जन। देखो, कुछ भी गलत हो जाए तो भाई कमेंट में आप बेझिझक बोल सकते हो, बस गालियों का कम प्रयोग करो। और इस गेम की मैं रिक्वायरमेंट की बात करूं, तो आपके फ़ोन में कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए, तो 4GB रैम चाहिए ही चाहिए, और स्टोरेज 1GB तक आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस गेम को रन कर पाएंगे अगर आप इसके दीवाने हो। और प्रोसेसर एकदम ढंग का होना चाहिए, मतलब आज कल ये बहुत पुराने हो गए, मतलब अगर आपके फ़ोन में PUBG चल जाता है तो बढ़िया, आपके फ़ोन में चल जाएगा, और थोड़े छोटे मोटे हैं तो उसके में भी ये गेम चल जाएगा। गेम आप देख सकते हो ऊपर, और थोड़ा और इन्जॉय कर सकते हो देख के। ये जो हमारे छठे गेम का नाम है उसका नाम है पोकेमोन मॉन्स्टर वर्सेस, ये भी एक बहुत अच्छा गेम है, और ये आपको वो मिल जाएगा APK प्योर पे। लगभग जितने गेम है सब APK प्योर पे मिल जाएंगे, जैसे कि आपको ऊपर गेम प्ले दिख रहा होगा और मैं छोटा सा दिख रहा होगा। तो बात करते हैं इसका साइज कितना होगा, तो इसका साइज होगा कुछ 37 से 40 MB के आसपास, और ये बढ़कर कुछ जैसे आप इसको इंस्टॉल करते हो तो 180 से 200 MB के बीच आपको ये गेम मिल जाता है। और डिवाइस रिक्वायरमेंट भी जान लेते हैं, तो डिवाइस रिक्वायरमेंट आपको चाहिए ज़्यादा नहीं यार, 2GB रैम से 4GB रैम के बीच है ना, 3GB रैम होगा। पता है भाइयों, जो गेम खेलते हैं उनके पास अभी तक पुराना फ़ोन नहीं होगा, 10000 तक भी अगर वो फ़ोन लाए होंगे तो बढ़िया फ़ोन लाएंगे लाए होंगे, तो उसमें चल जाएगा ये फ़ोन।
और मैंने पहले भी बताया था, अगर आप में ये सारे गेम मतलब पबजी कॉल ऑफ ड्यूटी ये सब चल रहा है तो ये सब गेम आराम से चल जाएंगे, क्योंकि ये एक साल दो साल पुराने बहुत गेम हैं और इसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम कम है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, लेकिन डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं है, आप ऐसे सर्च करके चेकआउट करना। भैया जो हमारे पांचवें गेम का नाम है उसका नाम है ट्रेनर कैनियन, जो पॉकी फेयर जो पहले गेम था उसी का नाम चेंज कर दी ने, लेकिन आप अभी पॉकी फेयर डाउनलोड करोगे तो वो नहीं चलेगा, ट्रेनर कैनियन चल रहा है, तो आप इसको जाके डाउनलोड कर सकते हो, ऊपर गेम प्ले चल रहा होगा, ये भी एक बहुत अच्छा गेम है। तो आपको इसकी जो ए पी के है वो 50-60 MB के बीच में मिल जाती है, लगभग 57 MB, इसके अंदर भी आपको डाटा डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ, ये जितने भी गेम मैं बता रहा हूँ उसमें सब में डाटा डाउनलोड करना पड़ेगा और एपीके प्योर पे मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो फिर लास्ट तक वीडियो देखो, क्योंकि मैं आपको कुछ ना कुछ बढ़िया चीज़ बताऊँगा। और इसकी डिवाइस रिक्वायरमेंट जैसे कि मैंने बताया 638 से 600 MB तक जाएगा, उसकी टेंशन मत लो, आपका 1.5 GB डाटे में के अंदर हो जाएगा चीज़ें। और बात करते हैं डिवाइस की रिक्वायरमेंट की, तो बहुत ही कम रिक्वायरमेंट चाहिए इसको चलाने के लिए, ज़्यादा नहीं, लैग भी नहीं करेगा, नेट सभी के लिए चाहिए, तो रिक्वायरमेंट होगी 2 से 3 से 4 MB रैम, ठीक है, जीबी रैम चाहिए और 1 GB स्टोरेज चाहिए आपको, प्रोसेसर कॉमनली प्रोसेसर चाहिए जो पबजी से कम अगर आपका है तब भी चल जाएगा, ज़्यादा इसमें नहीं चाहिए भाई, ग्राफिक्स इसके ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन ग्राफिक्स आपको देखने में मज़ा आ रहा होगा, तो ऊपर आप देख ही रहे हो। तो भैया जो हमारे चौथे गेम का नाम है उसका नाम है मैजिकल मॉन्स्टर, और मैजिकल मास्टर भी लोग बोल देते हैं, ये भी गेम काफ़ी अच्छा है, ऊपर देख सकते हो काफ़ी बेहतरीन गेम है, काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स हैं, कतई जहर आपको मज़ा ही आ जाएगा गेम खेलते हो। तो बात कर लेते हैं कितनी एमबी का, 25 MB का गेम है, लेकिन सरप्राइजिंग नहीं जाएगी इन लोगों की, तो जैसे कि आप 25 MB डाउनलोड करेंगे, 25 MB डाउनलोड करने के बाद आपको ये 600 से 700 MB तक आपको अंदर डाउनलोड करना पड़ेगा, और देख दाख के डाउनलोड करना, देख दाख के एपिक करना है, आपका डाटा बर्बाद ना हो, लेकिन मुझे पक्का यकीन है डाटा बर्बाद होगा क्योंकि ये गेम ऐसे ही होते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि पोकेमॉन के कुछ ऐसे गेम हैं जो आप खेल सकते हो, अभी तक जो मैंने गेम बताया बहुत बेहतरीन गेम है, आप खेलने में आपको मज़ा आ जाएगा अगर आप जी बी वी नहीं खेलते। तो भैया इसकी रिक्वायरमेंट सुन लो, तो इसकी रिक्वायरमेंट है 2 से 3 से 4 GB रैम होनी चाहिए आप में, ठीक है, और 1 से 2 GB तक स्टोरेज होनी चाहिए जो कि होगी आप लोगों के पास, अच्छा प्रोसेसर होना चाहिए क्योंकि इस गेम के ग्राफिक्स हैं बड़े ज़बरदस्त, क्योंकि अच्छा प्रोसेसर होना चाहिए, नहीं आप छोटे में खेल सकते हो अगर आपके लगे, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है, अगर आपके पास स्टोरेज है तो गेम ट्राई करो, नहीं चलता है तो कोई बात नहीं, दूसरे गेम भी देख सकते हो, तो गेम प्ले ऊपर चल रहा होगा, देखो मजे करो, और हम लोग अपने अगले गेम की ओर तरफ बढ़ते हैं। जो भैया हमारे तीसरे नंबर पे गेम है इसका नाम है पॉकी क्रिस, पोकेमॉन पॉकी क्रिस, ये भी बहुत अच्छा गेम है, तो आप इसको 80 MB बोल सकते हो, तो 80 MB तक डाउनलोड कर सकते हो, जैसे 80 MB का APK होगा, लेकिन उसको आपको 1 GB तक डाउनलोड करने होगा। इस गेम के भैया ऊपर ग्राफिक्स देख सकते हो कितने बेहतरीन और कितने मस्त ग्राफिक्स है, मुझे लगता है पोकेमॉन लेट्स गो का भी रिकॉर्ड, लेकिन नहीं कहूँगा, वो गेम कुछ ज़्यादा अच्छा लाइक उसके जैसे गेम बन रहे हैं भैया, तो वो गेम में दम होगा, लेकिन ये गेम भी आप खेल सकते हो, पोकेमॉन के बेहतरीन गेम है, और इसकी रिक्वायरमेंट तो सुन के जाओ, जैसे कि आप देख रहे हो, लेकिन मुझे भी तो सुनो, मैं हूँ छोटा सा, इतना सा दिख रहा हूँ आपको, तो इसके हैं 2 से 3 से 4 GB रैम है, क्योंकि 1 GB का गेम है, और स्टोरेज आपको 5 GB तक चाहिए ही चाहिए, स्पेस अच्छे से रखना, लैग ना हो, और भैया स्नैपड्रैगन हीलियो का प्रोसेसर चाहिए अच्छा वाला, जो पबजी आपको चला देता हो HD में, नहीं भी चलेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन गेम है बड़ा मस्त, आप ट्राई कर सकते हो, और ज़रूर ट्राई करो, आप में स्टोरेज है तो, अपने फ़ोन पोकेमॉन के फ़ैन हो तो यार कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग पोकेमॉन फ़ैन हैं हम लोग फ़ैन। तो भैया जो हमारे दूसरे नंबर पर गेम है उसका नाम है मॉन्स्टर एक्सप्लोरर, ये भी गेम बहुत ही अच्छा है, आपको 364 MB में मिल जाता है, कुछ अंदर के भी डाटे डाउनलोड करने हो सकते हैं, तो आप ये सब चेकआउट कर लेना, तो बढ़िया, इसके लिए 1 GB तक स्टोरेज चाहिए, और थोड़ा सा कार्टून जैसा गेम है, लेकिन जैसे कि हम लोग पोकेमॉन पहले देखे
देखते आते थे, देखे नहीं, देखते हैं, और कुछ लोग देखते भी हैं तो वैसे आपको दिखता होगा, लेकिन इसके ग्राफिक्स बड़े कमाल के हैं, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो, ओ एकदम जैसे लग रहा है हम लोग पोकेमोन एक्स वाई जो है उस तरह का खेल रहे हैं, ऐसा हम लोग को लगता है, लेकिन उससे इसका कंपेयर नहीं करो, वो एंड्रॉयड वाला है, तो एंड्रॉयड तक की औकात रखिए, उससे ज़्यादा ना रखिए। आप गेम देख सकते हो ऊपर कितना बढ़िया गेम चल रहा है, बहुत स्मूथ है, और इसकी रिक्वायरमेंट की बात मैंने की कि नहीं की है तो फिर से सुन लो, और की है तो प्लीज़ फिर से सुन लो क्या जाता है। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट चाहिए 4 GB रैम है ना, 4 GB रैम, 3 GB तक स्टोरेज, हाँ, और अच्छा प्रोसेसर वही हीलियो स्नैपड्रैगन लाइक ऐसे। तो इसको आप जाके सर्च करके गूगल पे चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो आखिरी तक रुके हो तो आखिरी तक आपको सरप्राइज मिल रहा है। तो ये जो हमारे नंबर 1 पे गेम है, सीधी उंगली से नहीं, सीधी उंगली नंबर 1 पे जो गेम है उसका नाम है पॉकेट टायरानोसॉरस। ये आपको 543 MB का मिल जाता है, और लोग कह रहे हैं इसका इंग्लिश वर्जन आ गया है, तो शायद आ गया होगा इंग्लिश वर्जन, लोग कहते हैं तो इंग्लिश वर्जन ट्राई कर सकते हो, लेकिन अभी तो मुझे नहीं मिला इंग्लिश वर्जन। लेकिन ये गेम भाई यूनिटी का गेम है, आपको बिल्कुल जो आप खेलते हो लेट्स गो पिकाचू बिल्कुल सेम वैसे ही है भाई, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी मारा है भाई एकदम, मतलब है उसमें जो ऐश है एकदम सेम ऐश दिख रहा है उसकी तरह। और इसके लिए भैया रिक्वायरमेंट सुन लो पहले गेम की, तो रिक्वायरमेंट है कि 4 GB रैम आपको चाहिए चाहिए, 2-3 इसका कुछ नहीं करना, 4 GB रैम चाहिए चाहिए, और स्टोरेज हो गई 4 GB स्टोरेज, और प्रोसेसर आपको चाहिए जैसे जो पबजी और COD चल जाता है तो वो चल जाने चाहिए, मतलब पबजी हो गया COD हो गया, ये गेम आप में अगर चल जाते हैं HD में तो ये गेम आप में बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन लगभग लोगों में लैग करता है, तो आप जाके इसको ट्राई कर सकते हो, ऊपर तो गेम प्ले चल रहा है तो देखते रहो। तो बस भाइयों आज की वीडियो के लिए इतना ही, रुको अभी सरप्राइज रह गया, तो वो सरप्राइज क्या है, तो भैया आपको मिला नहीं आपको नहीं मिला डिस्क्रिप्शन में लिंक, हाँ, तो उसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि मैं कुछ भी गेम डाउनलोड कर रहा था वहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो इससे लग रहा था बहुत टाइम, इस वजह से आपको कुछ वीडियो बहुत डिले भी मिल रही होंगी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि पहले ये 7 गेम बना दूँ, और एक कंडीशन रखूँ कि कमेंट जो भी कमेंट करेगा जिस गेम की भी वीडियो चाहिए जिसको आपको मतलब डाउनलोड करना है, आप प्रॉब्लम आ रही है तो उस एक गेम की आप कमेंट कीजिए कि ये गेम मुझे चाहिए, और जिस कमेंट पर ज़्यादा लाइक होंगे उस कमेंट की वीडियो पर मैं वीडियो बनाऊँगा, उस कमेंट पर मैं वीडियो बनाऊँगा, और उस गेम की मतलब स्पेसिफिक आपको इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। तो बस यही सरप्राइज था भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक करो क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी है मेरी इस वीडियो पे, और बहुत भाई बहुत खोजा और बहुत ही डाटा बर्बाद किया है इस चक्कर में, कुछ गेम चले थे कुछ गेम नहीं चले थे, और जो नहीं चले थे उसकी भी कुछ ट्रिकें हैं चलाने की तो वो चल सकते हैं। तो भैया कमेंट वाली बात याद है तो कमेंट करो और सब्सक्राइब कर देना, और नोटिफिकेशन बेल है उसको भी दबा देना, तो लाइक करो सब्सक्राइब भी कर लो, ये सब्सक्राइब को लाल मत छोड़ना, ये कर देना, ये जो ये रंग है मेरा ऐसा वाला कर देना, और बस बस भाइयों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में अच्छी वीडियो के साथ, सी यू, टेक केयर, ध्यान रखो अपना। Bye. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power you're as long as you're dreaming. You're never gonna make it.